तो हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को लोग एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर दो तरह के नुकसान झेल रही है। एक तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है लोगों के बीच में अब ये उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में कुछ करके दिखा सकेगी। हिमाचल के लोगों को बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी से ये अपेक्षा की जाए कि वो स्कूल पे, अस्पताल पे, रोज़गार पे, बिजली पे कुछ काम करेगी। ऐसी हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ से निकल के आ रहा है। और दूसरा, अब आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा के जिस तरह से बीजेपी अब बौखलाई हुई है, जिस तरह से छटपटा रही है, और वो आम आदमी पार्टी के ऐसे लोगों को भी पार्टी में शामिल कर रही है जिनको पार्टी खुद निकालना चाह रही थी, वैसे में बीजेपी के जो सीरियस कार्यकर्ता हैं जो सोचते थे हिमाचल के लिए कुछ हो, उनको भी अब लग रहा है कि अब उनकी पार्टी कुछ नहीं करेगी। तो वो अब बड़ी संख्या में छोड़ छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है वहाँ पे। हरमेल धीमान भारतीय जनता पार्टी के वहाँ 30 साल पुराने नेता हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने, हरमेल धीमान जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में SC विंग संभाला है, हिमाचल में भी संभाला है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी SC विंग संभाला है। वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के, अलग अलग लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बहुत सारे 20 नेताओं के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और अब 1000 नेता उनके अलग अलग ब्लॉक लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के और भारतीय जनता पार्टी के शामिल होने जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि भारतीय जनता पार्टी से अब उनको उम्मीद नहीं है कि हिमाचल के लिए वो कुछ करेगी। वहाँ पूरी तरह से बिखर गई है उनके पार्टी की उम्मीद, हिमाचल के लोगों की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई हैं। 1000 लोग और वहाँ पे शामिल होंगे और जिस तरह से पंजाब में और दिल्ली में स्कूल में, अस्पताल में काम हुआ है, बिजली पे काम हुआ है, वैसे ही सरकार बनाने के लिए अब हिमाचल के लोग और ये लोग जो अब और अलग अलग पार्टियाँ छोड़ के आ रहे हैं और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी से निराश होकर आ रहे हैं, सब मिलकर एक नए हिमाचल की इबारत लिखना शुरू करेंगे। ये बस अब कुछ दिन में शामिल होंगे। कई भारतीय जनता पार्टी के और बड़े नेता भी हमारे संपर्क में हैं। वी आर वर्किंग, क्योंकि अब वहाँ हिमाचल के प्रति एक और एक्टिव डेडिकेटेड लीडरशिप को वहाँ खड़ा करना है, क्योंकि अब वहाँ बहुत एक्टिव हुए हैं तो धीरे धीरे पार्टी बदलेगी वहाँ पे। देखिए, कोविड के ओवरऑल दिल्ली में देखें तो मामलों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, पर अभी तक इसमें कहीं भी कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। ये जो वेरिएंट है ये भी ओमिक्रॉन जैसा या ओमिक्रॉन के उसी पे है और अभी तो इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग और इन सब का भी होना बाकी है कि ये पुराना ही वेरियंट चल रहा है क्या, तो कहीं से भी हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ने की खबरें नहीं आ रही हैं। पर अब क्योंकि कोविड है और हम सब बार बार कहते हैं कि पिछले 2 साल के बाद अब हम सबको कोविड के साथ जीना सीख के आगे बढ़ना है, तो कहीं कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। कुछ स्कूल से मैं लगातार नज़र रखे हुए हूँ, किसी भी स्कूल में कहीं एक भी केस आता है किसी टीचर या किसी एक बच्चे को, तो उस वक्त स्कूल भी हमको रिपोर्ट कर रहा है और हम भी स्कूल को जो भी दिशा निर्देश हैं इंडिविजुअली दे रहे हैं। मैंने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को कहा है कि अभी 2-3 दिन की छुट्टियाँ हैं, इस बीच में केसेस पे नज़र रखते हुए एक जनरल गाइडलाइन नए हिसाब से बना के स्कूल्स के लिए जारी करें, तो कल तक हम एक गाइडलाइन भी जारी करेंगे। सर, अब तक किसी स्कूल में ऐसे मामले आए हैं? बहुत एकाद केस कहीं से आ रहे हैं, अभी तक कहीं इस तरह के ज़्यादा केस नहीं आए। कहीं किसी टीचर को हुआ है, कल भी एक स्कूल शायद ऐसा या 2 स्कूल ऐसे हैं जहाँ 1 या 2 बच्चों को हुए हैं। बढ़ोतरी को लेकर भी पेरेंट्स जो हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में हमने 2015 के बाद से प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस बिल्कुल नहीं बढ़नी थी, यहाँ तक कि 2016-17 में जब बहुत सारे स्कूलों ने फ़ीस बढ़ाने की मांग की तो हमने सबको कहा कि हम आपके खाते चेक करेंगे। हमने ऑडिट कराया सारे स्कूलों का, जिस जिसके पास भी पैसा बैंक बैलेंस में उनकी FDs में रखा हुआ था, उन्होंने फीस का मोटा मोटा पैसा लेके रखा हुआ था, किसी को हमने फीस बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी। 2017, 18, 19, 20 फिर दोनों कोविड के ईयर्स में किसी को इजाज़त नहीं दी।
अब कुछ स्कूलों के जहां हमने पूरी चेकिंग करा के कि उनके पास अब कोई पैसा नहीं है और उनको पैसा थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ रहा है, तो उनको बहुत लिमिटेड, किसी को 2% किसी को 3%, बट बहुत मतलब इक्का दुक्का स्कूल है। इसके अलावा अगर कोई स्कूल अपनी मनमर्जी से फीस बढ़ा ले रहा है तो उसके खिलाफ़ जैसे ही पेरेंट्स की शिकायत आती है हम पूरी उसकी जाँच कराते हैं, उसका ऑडिट कराते हैं और उसके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। इससे कोई उम्र का फिक्स नहीं है, अलग अलग स्कूल से अलग अलग उम्र। अभी मेरे पास में 4-5 स्कूल से ही पिछले 4-5 दिन में ऐसी सूचनाएं मिली कि किसी टीचर को हुआ तो उसने इंटीमेट कर दिया, या कुछ इस तरह किसी एक बच्चे को हुआ तो पेरेंट्स ने इंटीमेट कर दिया, स्कूल में आए हुए बच्चे को नहीं।